तो है एवरीवन, दिस इज सिम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा काम था तो रेडी होते होते टाइम लग गया। और अभी जल्दी से चलते हैं मीटअप पॉइंट पे। कौन कौन है देखेंगे वहाँ पे आज। आज बहुत से राइडर्स आने वाले हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 9-10 तो बाइक तो होंगे आज, क्योंकि बहुत दिन से किसी ने राइड नहीं किया था, तो सबका जो चुल मचा हुआ है वो आज ख़त्म होगा। तो ओके गाइस, अभी निकल चुके हैं और जितना कुछ बाइक आना था सब कुछ, सब लोग आ गए हैं एक साथ, तो अभी बिंदास निकल सकते हैं। और अभी तो पहले हम लोग बोर्निया जाएंगे, वहाँ पे फ्यूल अप करेंगे, फ्यूल अप करके एक दो इंस्टा पर स्टोरी डालेंगे, उसके बाद बिंदास निकलेंगे। तो ओके गाइस, अभी निकलने के लिए रेडी है सब लोग। चलो अभी भगाते हैं बाइक को, फालेंगे सर बाइक को नॉट। एक्चुअली क्या हुआ है, मेरा बाइक को थोड़ा सर्विसिंग की जरूरत है। आई थिंक आज उतना दौड़ नहीं रहा है जिस तरह से ये दौड़ती है। सुलाओ सुलाओ और सुलाओ सब लोग। पीछे पीछे लगा हुआ मैं पूरा, एक बार पकड़ लिया ना भाई।
एक्चुअली हैवी सीसी बाइक के साथ थकाने में क्या होता है, अपना जो पूरा पोटेंशियल होता है पूरा निकालना पड़ता है, तो मज़ा आता है ऐसे। और ऐसे नॉर्मल लो सीसी बाइक के साथ भगाने से क्या होता है, वही सेम एक थोड़ा आगे थोड़ा पीछे होता रहता है, लेकिन जब आप जब हैवी सीसी बाइक के साथ भगाना शुरू करेंगे ना, तब आपका जो स्किल होता है वो थोड़ा और इंक्रीज होता है। तो वही मैं ट्राई करता हूँ एवरी राइड पे कि थोड़ा और ज़्यादा स्किल इंक्रीज करूँ और ज़्यादा सीखूँ। और ये सब जो राइडर से पूरा एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल राइडर से, तो इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कॉर्नर्स के बारे में, और कैसे रोड में कैसे इन में आना चाहिए, एग्जिट कैसे लेना चाहिए कॉर्नर्स में, सब कुछ सिखाया इन लोगों ने। तो यही सब है मेरे गुरु। गैप क्लोज हो गया था अभी, चलो अभी एक्सीडेंट जब पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, भगाओ जितना भगा सकते हो। और जैसे रास्ता पूरा सीधा है, और ऐसा है आज हाई सीसी के बाइक के साथ भगाने की वजह से मैं पूरा टाइम टकिन होके चला रहा हूँ। इतना आगे भी मत निकलो, मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। ओह नो, ओह नो, क्या हो गया था, कॉर्नर्स में पूरी तरह निकल गया था भाई। अब बच्चा भाई, मैं क्या बच्चा भाई, अभी लगा था मैं गाड़ी को ठोक दूंगा जाके, और ऐसा लगा था कि नहीं दुकान में जाके घुस जाऊंगा, लेकिन नहीं, क्या हो गया, बच गया किसी तरह से भाई, काट हो जाता अभी मेरे साथ, थोड़े के लिए बच गया। एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब जगह में, तो मैंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ किया, तो इसलिए मैं बच गया आई थिंक, नहीं तो मेरा भी लग जाता आज। चलो शुक्र है भगवान ने बचा लिया, कृष्णा जय बजरंग बली। एक्चुअली 130 प्लस था आई थिंक स्पीड, इसलिए मैं निकल गया। देखा हैवी सीसी बाइकों के साथ फुल जोश में भगाने का नतीजा, क्योंकि ये लोग का हैवी सीसी होने की वजह से इन लोग का क्या होता है, ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और एक्चुअली मेरी भी थोड़ा गलती था, मैं कॉर्नर्स में थोड़ा हाई स्पीड पे था जो हद से ज़्यादा था। चलो कोई बात नहीं, चलो पहुँच गया एक्सीलेंसिया।